फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पासा के चैनल। तो आज फाइनली आप टाइटल देख के और टैग देख के आप समझ गए होंगे कि आज फाइनली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रिजल्ट आया। तो गाइज, फाइनली आप कितने दिन से वेट कर रहे थे, सोचिए आज फाइनली इसका रिजल्ट आ गया। और जो एग्जाम आपको 21 अगस्त को हुआ था, तो उसका रिजल्ट आज आ चुका। और चलिए चलते हैं पहले साइट पर, तो साइट पर खोलते हैं। और क्यों होता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कैसे रिजल्ट देखे, तो चलिए हम वहाँ पर भी दिखाते हैं आपको रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम साइट पर जा रहे हैं और वहाँ पर www.exam.org खोलेंगे, ओरिजिनल साइट है। वहाँ पर जाएँ तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर दिख रहा है ये आपका एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर। तो रिजल्ट देखेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि www.emsexam.org पर सर्च करेंगे और ओरिजिनल साइट पर चले जाएंगे। तो अब साइट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो तीसरे नंबर पर दिख रहा है एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया। तो यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं और तब वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर डाउनलोड होगा। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट के बारे में नहीं पता कैसे रिजल्ट देखते, तो गाइस ऐसे रिजल्ट देखते तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखो, तो वहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ चुका। बहुत सारे नोटिफिकेशन दिया रखा है, ऊपर दे रखा है कि 21 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था और आज फाइनली इसका रिजल्ट आया। तो देख सकते हैं बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो ऐसे नहीं रिजल्ट स्क्रॉल करते रहते, लगभग 1726 बच्चे आपके पास आउट हुए हैं। मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे कट ऑफ क्लियर किए, लेकिन होता कि मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर जितना सीट है उसके चार गुना मतलब मेरिट लिस्ट में लोगों का रैंक आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, तो चलिए वहाँ पर नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया रखा है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर दिया है कि नॉट इट इज़ अ ओवरऑल रिजल्ट, डैट मीन्स जो पास हुए कट ऑफ क्लियर किए हैं, दिस इज़ अ मतलब इतना सीट है कि डैट मीन्स वन जो फोर्थ मतलब जितना टोटल सीट है यानी 576 उसके चार गुना सीट दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मतलब कितने बजे तक क्वालिफाई होंगे, कितने बजे तक मतलब टोटल मतलब काउंसलिंग होगा, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर अनरिजर्व में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर अनरिजर्व में टोटल 9552 रैंक तक आपको काउंसलिंग में जाएगा। अनरिजर्व PWD का कुछ नहीं दिया, EWS में आपको टोटल ओवर रैंक है 2507 यानी 2507 तक जाएगा और कैटेगरी 224 तक जाएगा। EWS PWD में आपको वहीं कैटेगरी 236 तक जाएगा। OBC में आपको कैटेगरी 608 तक जाएगा, यानी नॉन क्रिमिनल का है, यानी ओवरऑल रैंक जो 1409 है उतना तक। PWD OBC नॉन क्रिमिनल जो आते हैं इनका ओवरऑल रैंक 6043 तक जाएगा और कैटेगरी 2387 तक जाएगा। SC में देखें तो कैटेगरी 349 और PWD SC में है तो 680 तक जाएगा कैटेगरी रैंक, और ST में 150 कैटेगरी रैंक तक जाएगा और ओवरऑल रैंक जो उनका है 6092 तक जाएगा। एक चीज़ और बता देंगे गाइस कि जो बहुत सारे लोगों कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या इतने तक मिलेगा, तो हाँ ये सब क्योंकि जितना बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होगा लेकिन उनका जितना सीट है उसके चार गुना सीट, यानी एक सीट पर चार बच्चे को बुलाया जाता है काउंसलिंग में, तो ये इतना आपका सीट दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ऐसे कटअप तो बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया। कटअप क्या होता है मैंने बता रखा है आप लोगों को, डाउट क्लियर हो गया कटअप क्या, तो कटअप सिर्फ वहीं होता है 50% जनरल के लिए और OBC के लिए 45 और SC ST के लिए आपको आपको 40-35% तक देता है, और EWS आपको अनरिजर्व और OBC के बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ है आपको सदा आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि रिजल्ट इसमें बहुत सारे लोगों को बचेगा, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करके आपको बताया किस किस किसका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे साथ शेयर करता कि उनका नेम अपने अगले वीडियो में लेके उनका नेम मतलब प्रोत्साहन करें, तो बताएं कि हाँ इन लोगों का हुआ, जो इनका नहीं हुआ वो निराश ना हो, वो भी मतलब अपने आपको मोटिवेट करें कि नहीं अगर इस बार नहीं हुआ तो इससे अच्छा हमको करना है। तो इस बार नहीं होता कि अगर होता है कि किसी का कम मार्क्स से थोड़ा सा चुका है कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप परेशान मत होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ हमको अगले बार फिर मतलब निकालना है, इस बार नहीं हो पाया तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो गाइस तब चलिए चलते हैं ताकि सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब आपका रिजल्ट आ गया। तो चलिए आगे के टॉपिक में बात करते हैं, इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया है, बहुत सारे मतलब इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत सारे मतलब जो ये सबसे पहले हेडिंग में दिया है कि आपको जो 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, दैट मीन्स 27 को उसका रिजल्ट आना था, तो जो कैंसिल होकर नहीं आया हुआ सितंबर में वो भी नहीं आया, अक्टूबर में बताया जो मैंने फाइनली बताया था कि आपको एक वन वीक के अंदर में आ जाएगा, तो वन वीक के अंदर में आपको एम्स पैरामेडिकल का आ गया, उसके दो दिन के बाद आपका एम्स नर्सिंग का भी आया। तो एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट आने के बाद भी मैंने फिर से ये वीडियो बनाया था कि एक से दो दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो फाइनली आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने बताया था, और फाइनली दो दिन के बाद आज रिजल्ट आ गया गाइस। तो
उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रहा होगा रिजल्ट का, मतलब तो रिजल्ट आ गया और एक्साइटमेंट हो गया कि कैसे काउंसलिंग करें, क्या प्रोसेस करें, तो सब चीज़ पर रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अभी रिजल्ट से रिलेटेड ये मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने के बहुत से लोगों को पता चल चुका है जब तक वीडियो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को अपलोड करने में और ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, तो तब तक बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर जल्दी से चेकआउट करें, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखें। और जिसका जिसका नेम आया है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें। आप चाहे तो इंस्टा पर फॉलो मतलब इंस्टा पर भी शेयर कर सकते हैं, और चाहे आप तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टा पर मेनली ज़्यादा अच्छा होता है आप इंस्टा पर भी ये करें, ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबका नेम लेकर आप सबको प्रोत्साहन करें, कॉन्ग्रेचुलेशन कर सके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज़ और एक चीज़ नोटिफिकेशन पर बात करते हैं, तो अगर नोटिफिकेशन सेम वैसे एम्स पैरामेडिकल का जैसे दे रखा था वैसे इसका भी दे रखा है कि आपको मतलब सारे डाउनलोड करना है, जो भी मतलब ये आपका मतलब रिजल्ट है मेरिट लिस्ट, तो अगर किसी का सेम मार्क्स है तो कैसे डिसाइड होगा, तो वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो डिसाइड हो जिसका बायो में ज़्यादा मार्क्स हो उस अकॉर्डिंग, अगर बायो में सेम हो तो उसके अकॉर्डिंग, जिसका केमिस्ट्री में ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड, अगर केमिस्ट्री में भी सेम हो जिसका फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और टोटल बी एस सी नर्सिंग का कॉलेज तो वही सेवन कॉलेज है, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, तो ये सब सेवन कॉलेजेस है गाइस। और सीट आपका टोटल 576 सीटेज है, तो बहुत सारे लोग पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो ये सब बता देते हैं। और आप जाके यहाँ पर चेकआउट करें, कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस करना है, तो सब इससे रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। चैनल अपनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि मेरे आगे का जो भी वीडियो आप तक पहुँच सके, नोटिफाई हो सके आप लोग, और आपके लिए मतलब आपके लिए बेनिफिशियल, आपके दोस्तों के लिए सब बेनिफिशियल, उनके लिए शेयर करें। तो ये सब चीज़ें गाइस है। और नोटिफिकेशन थोड़ा सा अगर तीसरे नंबर पर जो बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर जो एम्स पैरामेडिकल में भी दे रखा था और इसमें भी दे रखा था, उस पर बात करते हैं। तीसरे नंबर पर ये चीज़ दे रखा है कि होता है कि ये जो एबीसी मतलब ओबीसी है, एनसीएल डेट नॉन क्रिमिनल लेयर के अंदर जो आते हैं, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के, तो उनको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसके लिए डेट दिया गया 17 से 22, यानी 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक टाइमिंग है, यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो आपका मतलब जो भी होता है रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का, तो उसको मतलब हटा के अनरिजर्व में आपका कैटेगरी कर देगा। तो इसलिए आप जितना हो सके मतलब अपना सर्टिफिकेट को सबमिट करें। उम्मीद है इसके आपको वीडियो पसंद आया, और अगर थोड़ा सा पसंद आएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो का बड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो शेयर इसलिए करें, ताकि जिनको नहीं पता उनके लिए भी मतलब इन्फॉर्मेटिव हो, और जल्दी से जाके अपना रिजल्ट चेकआउट करें। प्लीज़ एक और चीज़ फिर से बात बोलना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। इंस्टा पर आप शेयर भी कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पर भी शो कर देता हूँ इंस्टा आईडी सब्या मेहता, तो आप वहाँ पर जाकर भी शो कर सकते हैं। अगर आप जिनका मतलब अगर नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आगे अपने वीडियो डालते रहूँगा और कैसे प्रिपरेशन का, तो सब रिलेटेड वीडियो आएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मतलब काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब एडमिशन सब रिलेटेड। आप इंजॉय करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।